अरे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एनिमल किंगडम में हम लोग कार्डेटा फाइलम पढ़ रहे थे। फाइलम कार्डेटा में तीन सब फाइलम है। पहला सब फाइलम है, देखिए पहला सब फाइलम जो है कौन सा, यूरो कार्डेटा है। यूरो कार्डेटा है, हेमी कार्डेटा को तो अलग फाइलम का बना दिया गया है। यूरो कार्डेटा पहला कार्डेटा फाइलम में सब उप सब फाइलम तीन है। यूरो कार्डेटा जिसमें हम लोगों ने हारमोनिया पढ़ा था, सिफेलो कार्डेटा जिसमें हम लोगों ने एम्फीऑक्सस पर देखे थे। आज इसके बाद वर्टिब्रेटा सब फाइलम, तीन सब फाइलम है। तीन सब फाइलम में, तीनों सब फाइलम में पहला है यूरो कार्डेटा, दूसरा सिफेलो कार्डेटा, तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा हम लोग पढ़ रहे थे। वर्टिब्रेटा में जब डिवीजन किया गया, दो शाखाओं में बांटा गया, मतलब वर्टिब्रेटा सब फाइलम को दो शाखाओं में बांटा गया, एग्नेथा ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में प्रिमिटिव इंडिविजुअल थे, उनमें वन क्लास था। एग्नेथा में एक क्लास था, फर्स्ट क्लास था साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में हम लोगों ने देखा था पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे, और लैम्प्रे को लैम्प्रे होता है, और माइक्सिन हैगफिश भी कहा जाता है। तो साइक्लोस्टोमेटा में ये पाए गए, ये भी कार्टिलेज फिशेस थी। और फिर ग्नेथोस्टोमेटा में हम देखते हैं, इसमें एडवांस थे, जिसमें जा प्रेजेंट था, पेयर अपेंडिक्स थे। इसमें इनको दो सुपर क्लास में बांटा गया, ग्नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में बांटा गया, पीसेस और टेट्रापोडा। पीसेस में सभी मछलियाँ हैं, इसमें क्या होता है एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक होते हैं। सभी कैसे होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। फाइन पेयर अपेंडिक्स प्रेजेंट होते हैं, फाइन फिंस प्रेजेंट एंड पेयर अपेंडिक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। रिस्पायरेशन गिल के द्वारा होता है। पीसेज में दो क्लासेस थी, कौन कौन से क्लास है इसको हम लोगों ने देखा। कॉन्ट्रिक्थिस में हम लोगों ने किसको देखा था, कॉन्ट्रिक्थिस स्कॉलियोडॉन। देखिए कॉन्ट्रिक्थिस और साइक्लोस्टोमेटा दोनों में कार्टिलेज बोन, इसमें बोन नहीं पाई जाती थी, ये जो है इसमें जो कार्टिलेज पाया जाता है। इनका जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर होता था किसका बना होता था, कार्टिलेज का बना होता था। ऑस्ट्रिक्थिस जिसमें बोनी फिशेज आती थी, क्लास थर्ड जो है। पीसेज में दो क्लास हैं, कॉन्ट्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस। ऑस्ट्रिक्थिस जो होता है, ऑस्ट्रिक्थिस में जो बोनी फिशेज थी जिसमें बोन्स पाई जाती थी, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी थी, बोन स्ट्रक्चर पाई जाती थी। इनमें बहुत सी मछलियाँ हम लोगों ने पढ़ा, बहुत से एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। जैसे हम लोगों ने बहुत से इकाइनस देखा, सुकरफिश, इकाइनस सुकरफिश हमने देखा, एमिया ग्लेनाइड फिश, एनाबास और एक्सोकोइटस फ्लाइंग फिश, एक्सोकोइटस मैराइन थे, हिप्पोकैम्पस और लिबियो क्लैरियस कैटला बेटा, ये सब जो फ्लाइंग फिश क्या था, फाइटिंग फिश कौन थे, बेटा और पेट्रोफाइलम। बेटा और पेट्रोफाइलम के एक्वेरियम में रखे जाते थे। तो लेबियो रोहू जिसे कैलियास मांगूर, क्लेरियास को मांगूर कहते हैं, कैटला जिसे कहते हैं फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये सब क्या है, फ्रेश वाटर में मांगूर जो है, क्लेरियास कैटला ये सब फ्रेश वाटर में, लेबियो फ्रेश वाटर में, और एग्यूलिया जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जबकि हिप्पोकैम्पस एक्सोकोइटस ये सब मैराइन है, ये कैसे थे, मैराइन थे। तो ये ऑस्ट्रिक्थिस जिसमें बोनी फिशेज आते हैं उनके एग्जाम्पल थे। अब हम लोग देखते हैं फिशेज के कुछ कैरेक्टर हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुपर क्लास था टेट्रापोडा। सुपर क्लास या टेट्रापोडा, अब इसमें भी क्लास है। सुपर क्लास में जो है, सुपर क्लास टेट्रापोडा में भी कितने क्लास है, चार क्लास है। फिशेज में दो क्लासेज थी, कॉन्ट्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस, और टेट्रापोडा में कितने हैं, तीन क्लासेज हैं। क्लास पहला था एम्फीबियन, दूसरा रेप्टाइल्स, तीसरा एप्स, चौथा मेमल्स, दूसरा मेमेलिया। देखिए पहला क्लास इसमें कौन था, एम्फीबिया टेट्रापोडा में, सुपर क्लास टेट्रापोडा में पहला क्लास एम्फीबिया, दूसरा क्लास रेप्टिलिया, तीसरा एप्स, चौथा मेमल्स या मेमेलिया इसमें क्लास थे। टेट्रापोडा सुपर क्लास जो था इसमें कैसे इंडिविजुअल रखे गए थे, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल थे। जबकि पीसेज में क्या थे, सभी क्या थे एक्वाटिक थे। लेकिन टेट्रापोडा में एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों थे। लिम्ब प्रेजेंट एज पेयर्ड अपेंडिक्स, लिम्ब पाए जाते थे एंड पेयर्ड अपेंडिक्स पाया जाता था। रिस्पायरेशन बाय लंग्स, इनमें रिस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है। लेकिन सुपर क्लास पीसेज में क्या था, रिस्पायरेशन बाय गिल्स के द्वारा उसमें रिस्पायरेशन होता था। और इनमें यूरिकल्स की संख्या दो होती है, हार्ट में जो यूरिकल्स होता है उनकी संख्या दो होती है, लेकिन पीसेज में यूरिकल की वन संख्या होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं
टेट्रापोडा के सुपर क्लास में पहला क्लास देखते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया के कुछ कैरेक्टर हम लोग देखेंगे, एम्फीबिया के कुछ जनरल कैरेक्टर हम लोग देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो टेट्रापोडा में पहला क्लास एम्फीबिया की बात हम लोग करते हैं। एम्फीबिया क्लास में कैसे इंडिविजुअल रखे गए हैं, किन इंडिविजुअल को एम्फीबिया कहा जाता है, एम्फीबिया इनका नाम जो पड़ा क्यों पड़ा, क्योंकि इनमें जो इंडिविजुअल पाए जाते थे ये दोनों लैंड और वाटर, मतलब बोथ वाटर एंड लैंड दोनों पे क्या होते हैं, लाइव करते थे। फर्स्ट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग, इनका ओरिजिनेट कब हुआ, डियोनियम पीरियड, मतलब कब उनकी उत्पत्ति हुई, डियोनियम पीरियड में इनकी उत्पत्ति हुई। अगर इनकी उत्पत्ति डियोनियम पीरियड में हुई, लेकिन इनका जो बहुत कार्बोनीफेरस पीरियड था, जो बहुत एडवांस पीरियड था, एज ऑफ एम्फीबियन का कौन कहलाता है, कार्बोनीफेरस पीरियड। अगर आपसे कहा जाए कि एम्फीबियन का एज ऑफ एम्फीबियन क्या कहलाता है, तो कार्बोनीफेरस पीरियड जो है इनका एज ऑफ एम्फीबियन कहलाता है। ये कैसे होते हैं इंडिविजुअल, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, हिपोकिलोथर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, पोकिलोथर्मिक होते हैं, इक्टोथर्मल या पोकिलोथर्मिक कहो। बॉडी टेम्परेचर वेरियस रिकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, इनका बॉडी का पोकिलोथर्मिक मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इनका कम ज़्यादा होता रहता है जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। अधिक टेम्परेचर वाले स्थान पर रहेंगे तो अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर कम टेम्परेचर वाले स्थान पर रह रहे हैं इनका टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग कम हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है कोल्ड ब्लड में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है, पोकिलोथर्मिक होते हैं। ठीक है, स्कल कैसे होता है, डाइकंडाइलिक होता है, इनका स्कल खोपड़ी में दो हड्डियां बोन्स पाई जाती हैं, प्रोवाइड इनमें दो हड्डियां पाई जाती हैं, ऑक्सीपिटल कंडाइल, मतलब प्रोवाइड इनमें ऑक्सीपिटल और कंडाइल में जो शीर होता है, स्कल होता है, खोपड़ी का क्रेनियम बनता है, उनमें जो है दो हड्डियां पाई जाती हैं प्रोवाइड। यदि एम्फीबियन क्लास में देखा जाए तो इसमें जो है 2500 स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं। स्मॉलेस्ट क्लास है यह जो है स्मॉलेस्ट का एम्फीबिया जो होता है कार्डेटा फाइलम में क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लास है एम्फीबिया। इनका ओरिजिनेट मैंने बताया, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, डिवोनियम पीरियड में हुआ। एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर मोस्ट फाउंड इन सी, देखिए नॉट फाउंड इन सी, सभी एक्वाटिक होते हैं और समुद्र में नहीं पाए जाते हैं, ये समुद्र में नहीं पाए जाते हैं, एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर पाए जाते हैं। सभी कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर पाए जाते हैं। इनका बॉडी जो होता है हेड ट्रंक नेक में बटा होता है और टेल में, इनका बॉडी जो होता है हेड ट्रंक नेक में बटा होता है एंड टेल, सॉरी चार भागों में बटा होता है, इनका बॉडी जो होता है चार भागों में बटा होता है, हेड ट्रंक नेक एंड टेल। टेल देखिए किसी किसी में टेल प्रेजेंट हो सकता है, किसी में एब्सेंट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, सभी एम्फीबियन में टेल नहीं पाया जाता है, किसी में प्रेजेंट हो सकता है, किसी में एब्सेंट हो सकता है, लेकिन हेड ट्रंक और नेक सभी में पाया जाएगा, लेकिन टेल किसी किसी में पाया जाएगा, किसी में नहीं पाया जाता है। अब लिम की बात हो, लिम इसमें कितने पाया जाता है, टू पेयर होते हैं, टेट्रापोड इसीलिए कहा जाता है, दो पेयर होने के कारण से टेट्रापोडा कहा जाता है। टेट्रापोडा क्या है, सुपर क्लास है, सुपर क्लास में फोर सब क्लास रखे गए, पहला क्लास की बात हम लोग कर रहे हैं। बट सम स्पीसीज लिम्बलेस होते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो लिम्बलेस होते हैं, सम एम्फीबियन न्यूटिनी का मतलब होता है, इनमें जो एम्फीबियन में न्यूटिनी होता है, न्यूटिनी का मतलब होता है कि इनमें जो है जब ये न्यूटिनी करते हैं, जब इनमें न्यूटिनी की कंडीशन होती है, न्यूटिनी मतलब होता है कि मेच्योर जो होता है एडल्ट के फॉर्म में तुरंत नहीं हो जाते हैं, इनमें कुछ समय तक लार्वा की कंडीशन होती है, उनमें सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट बाद में होता है। तो न्यूटिनी का मतलब यही कि इनमें जो डेवलपमेंट होता है लार्वा के कंडीशन से गुजरना पड़ता है, तो इसी को न्यूटिनी कहते हैं। स्यूडोजेनेसिस क्या है, देखिए न्यूटिनी का मतलब होता है कि लार्वा के कंडीशन में ही फर्टिलाइजेशन क्रिया, इसमें फर्टिलाइजेशन की कंडीशन आ जाती है, इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट रहता है, इन्हीं को हम न्यूटिनी कहते हैं, उन्हें डेवलप हो जाते हैं। और पीडोजेनेसिस क्या है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बट रिप्रोडक्शन होता है। पीडोजेनेसिस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं पाई जाती, फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है, जबकि इसमें जो है
रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं पीडियोजेनेसिस। पीडियोजेनेसिस और नियोटिनी में क्या है, नियोटिनिक में ऐसे इनमें लार्वा की जब ये टोड होता है उस समय भी मेल फीमेल सेक्स ऑर्गेनिक डेवलपमेंट रहता हुआ है, जिसे नियोटिनी कहते हैं। पीडियोजेनेसिस में क्या है, पीडियोजेनेसिस में जो होता है इनमें रिप्रोडक्शन होता है बट फर्टिलाइजेशन लार्वा के कंडीशन में रिप्रोडक्शन गया। एम्फीबियन क्लास को तीन ऑर्डर में बांटा गया है। पहला ऑर्डर है एपोडा। एपोडा मतलब होता है जिसमें लिम्बलेस एम्फीबियन होते हैं, कॉमनली इन्हें क्या कहते हैं ब्लाइंड वार्म या लिम्फलेस एम्फीबियन कहते हैं। लिम्ब एंड टांगू एब्सेंट होता है, लिम्ब मतलब जो लिम्ब नहीं पाए जाते हैं, टांगू भी इसमें एब्सेंट होता है, जीभ एब्सेंट बट स्केल प्रेजेंट, स्केल में से प्रेजेंट होता है। सो पेरेंटल केयर में पाया जाता है, जैसे इक्थियोफिस में एपोडाम आता है। इक्थियोफिस क्या आता है, एपोडा में जो इक्थियोफिस आता है इसमें पेरेंटल केयर पाया जाता है। इक्थियोफिस में क्या पाया जाता है, पेरेंटल केयर पाया जाता है। एपोडा में आता है इसमें पैर नहीं पाए जाते, लिम्बलेस होते हैं इनमें पैर। इक्थियोफिस जो होता है कैसे दिखाई देता है, सांप के जैसे दिखाई देता देगा लेकिन इसमें पैर नहीं पाया जाएगा, ठीक। अपने अंडों को चारों राउंड करके रखता है, जो अपने पेरेंटल केयर के गुण पाए जाते हैं, पेरेंटल केयर के इनमें गुण पाए जाते हैं। इक्थियोफिस एपोडा में रखा गया है। जिम्नोफियाना भी कहा जाता है, ध्यान दीजिए एपोडा को जिम्नोफियाना भी कहा जाता है, आर्डर है। क्लास किसका, एम्फीबिया क्लास में तीन आर्डर हैं, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा आर्डर, तीन आर्डर है एम्फीबिया क्लास के, तीन आर्डर है एपोडा और यूरोडेला और एन्यूरा आर्डर है, तीन आर्डर हैं। तो एपोडा की बात हो गई, एपोडा को और किस नाम से जाना जाता है, जिम्नोफियाना के नाम से जानते हैं। इन्हें कॉमनली कार्ड क्या कहते हैं, इन्हें लिम्बलेस या ब्लाइंड वार्म कहते हैं। टांगू इसमें एब्सेंट होता है, लिम्ब इसमें एब्सेंट होता है और एक पेरेंटल केयर इनमें करेक्टर पाया जाता है, जिसे इक्थियोफिस में क्या करता है, इक्थियोफिस अपने एक के चारों ओर क्या क्वाइल करता है, राउंड में रहता है, राउंड कर लेता है, उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। पेरेंटल केयर का कैरेक्टर पाया जाता है इनमें, इक्थियोफिस में किन में पाया जाता है, इक्थियोफिस में। किस आर्डर में है, एपोडा में है। किस क्लास में है, एम्फीबिया में है। एम्फीबिया क्लास आर्डर क्या है, एपोडा में इक्थियोफिस पाया जाता है, जिनमें पेरेंटल कैरेक्टर होता है, लिम्बलेस होते हैं, ब्लाइंड वार्म होता है और टांगू इसमें एब्सेंट होते हैं, जीभ इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं यूरोडेला जैसे यूरोडेला कॉर्डेटा भी इसे कहा जाता है। यूरोडेला में क्या होता है, इसमें टेल एम्फीबियन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टेल पाया जाता है। ऐसे एम्फीबियन में टेल पाया जाता है, ऐसे एम्फीबियन में क्या पाया जाता है, टेल पाया जाता है। कॉमनली कॉल्ड न्यूट एंड सेलामेंडर, इसमें सेलामेंडर आता है। लिम्ब टू पेयर, इसमें लिम्ब जो पाया जाता है टू पेयर में पाया जाता है, मतलब चार पाए जाते हैं टू पेयर में, मतलब चार पेयर में, मतलब टेट्रापोडा इसीलिए इसमें कहता है। लिम्ब टू पेयर विथ ऑलमोस्ट सेम साइज, वो दोनों तो क्या सेम साइज के होते हैं। टेल प्रेजेंट होता है, यूरोडेला, यूरो नाम ही है, यूरोडेला में टेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यूरोडेला में जो है टेल प्रेजेंट होता है, इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल जो है एम्बायोस्टोमा को सेलामेंडर भी कहते हैं, ध्यान दीजिए। एम्बायोस्टोमा को टाइगर सेलामेंडर कहते हैं, एम्बायोस्टोमा आ सकता है या किस आर्डर में है, यूरोडेला में है। सेलामेंडर किस आर्डर में है, यूरोडेला में है, ये पूछा जा सकता है। इसमें टेल होता है कि नहीं होता है, टेल प्रेजेंट होता है, यूरोडेला आर्डर में टेल प्रेजेंट होता है, जबकि एपोडा में टेल नहीं पाया जाता, लिम्ब नहीं पाए जाते हैं, इसमें लिम्ब पाया जाने टंगू नहीं पाया जाता है। यूरोडेला में क्या होता है, इनमें टेल प्रेजेंट होते हैं, इनमें टेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्टूरस जो होता है मड पपी होता है, कीचड़ में रहने वाला पपी होता है। हम लोगों ने देखा यूरोडेला में क्या होता है, लिम्ब टू पेयर में होते हैं, सभी सेम, मतलब टेट्रापोडा मतलब चार पैर होता है, लिम्ब टू पेयर में मतलब चार पैर होंगे, ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, टेल इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें एम्बायोस्टोमा को टाइगर सेलामेंडर भी कहते हैं, इसमें टाइगर सेलामेंडर कहते हैं। निक्टूरस इसका एग्जाम्पल है, निक्टूरस सेलामेंडर इसका क्या है एग्जाम्पल है, निक्टूरस को मड पपी भी कहते हैं, निक्टूरस को क्या कहते हैं, मड पपी, मड पे कीचड़ में रहता है। तीसरा आर्डर इसका क्या है, एम्फीबियन का तीसरा आर्डर क्या है, एन्यूरा आर्डर तीसरा है, किसका, एम्फीबिया क्लास का तीसरा आर्डर है एन्यूरा। साइलेंटिया भी, एन्यूरा को साइलेंटिया भी कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड फ्रॉग एंड टोड्स, इनमें फ्रॉग और टोड आते हैं। एन्यूरा आपसे पूछा जाए फ्रॉग का क्लास क्या है, एम्फीबिया, आर्डर पूछा जाए एन्यूरा होता है,
इसका ऑर्डर क्या होता है, एन्यूरा, जनरल जो है एम्फीबियन इसी में आते हैं, फ्रॉग एंड टोड, तो इनमें आते हैं एन्यूरा। एन्यूरा में कौन आता है, फ्रॉग और टोड आता है। आपसे पूछा जाए फ्रॉग का ऑर्डर क्या है, एन्यूरा है, क्या है एन्यूरा, क्लास क्या है एम्फीबिया, तो ये सब ध्यान देना होगा कि फ्रॉग किस ऑर्डर में रखा गया है। ये सब क्वेश्चन बनते हैं, जो नहीं बने हुए हैं अभी तक ये क्वेश्चन बन जाते हैं प्यारे दोस्तों, इस पर विशेष ध्यान देना है। एन्यूरा क्लास किसका है, फ्रॉग और टोड का। ये लिम इसमें टू पेयर्स होते हैं, इसमें लिम कितने पेयर होते हैं, टू पेयर होते हैं, फोर लिम विथ फोर फिगर्स, विथ फोर फिंगर्स होते हैं। जो फोर लिम होता है पीछे का पैर होता है उनमें चार फिंगर होते हैं, फोर फिंगर होते हैं, आर स्मॉलर देन हिंड लिम विथ फाइव टोज, सॉरी फोर लिम विथ फोर फिंगर, आगे के जो फोर लिम जो आगे का पैर होता है उसमें फोर फिंगर होते हैं, एंड स्मॉलर देन हिंड लिम, और जो पीछे का पैर होता है, हिंड लिम पीछे का पैर होता है, हिंड लिम उसे कहते हैं जो पीछे का होता है, विथ फाइव टोज, उसमें क्या होते हैं फाइव टोज पाए जाते हैं, तो टोज टोज मतलब फाइव टोज में सब जुड़ा हुआ पाया जाता है, ठीक है, फाइव फिंगर की जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है लेकिन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो उसे टोज कहते हैं। टेल आर एब्सेंट इन एडल्ट, एडल्ट में टेल नहीं पाया जाता, ध्यान देते हैं, जब टोड होता है, जब इसमें लार्वा कंडीशन होती है तो टेल पाया जाता है, लेकिन जब मेंढक का लार्वा कंडीशन क्या होता है, बदल जाता है एडल्ट में, तो उसमें टेल एब्सेंट हो जाता है, टेल हट जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम देख लें, इसमें टेल एब्सेंट होता है राना फ्रॉग, इनमें क्या है राना टिग्रीना, जिससे फ्रॉग, रेकोफोरस फ्लाइंग फ्रॉग, रेकोफोरस भी फ्लाइंग फ्रॉग भी इसमें आया, हाइला ट्री फ्रॉग, मतलब राना टिग्रीना, रेकोफोरस जो फ्लाइंग फ्रॉग होता है, फ्लाइंग फ्रॉग होता है वो भी रेकोफोरस इसी में रखा गया है, ऑर्डर एन्यूरा ऑर्डर में है, हाइला ट्री फ्रॉग जो भी है इसी ऑर्डर में रखा गया है, ट्री फ्रॉग भी इसी ऑर्डर में रखा गया है। ए प्यारे दोस्तों, ये तीन ऑर्डर हम लोगों ने, ए पोडा, यूरोडेला, ए पोडा में क्या था इक्थियोफिस, यूरोडेला में क्या था, यूरोडेला में एम्बायोस्टोमा जिसे सेलामेंडर कहते हैं, निक्टूरस मडी पपी, ये किसमें है यूरोडेला में है जिसमें टेल पाई जाती है, एन्यूरा जो सिंपल फ्रॉग और टोड पाए जाते हैं जिसमें लिम्ब दो पैर में होते हैं, फोर लिम्ब में चार फिंगर होते हैं, और हिंड लिम्ब जो होता है उसमें फाइव टोज होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं, टोज पाए जाते हैं, तो टेल एब्सेंट होता है एडल्ट में, जैसे फ्रॉग है, रेकोफोरस है, हाइला है, फ्रॉग होता है, रेकोफोरस फ्लाइंग फ्रॉग होता है, हाइला जो होता है ट्री फ्रॉग होता है, हाइला कैसे होता है ट्री फ्रॉग होता है, तो एन्यूरा साइलेंटिया, एन्यूरा साइलेंटिया ये ऑर्डर था, तीन ऑर्डर हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद कुछ और भी कैरेक्टर हैं जो एम्फीबिया के हैं, उसको देख लेते हैं। इनका जा जो पाया जाता है, जबड़ा जो होता है विथ स्मॉल होमोडांट टीथ होता है, होमोडांट टीथ पाया जाता है, इसमें कैसा टीथ पाया जाता है, होमोडांट, होमोडांट का मतलब होता है दांत जो एक ही जैसे पाए जाते हैं, दांत का स्ट्रक्चर जो होता है सेम एक जैसे होता है, हर्ट जो होता है इनका, हर्ट थी चैम्बर में होते हैं, दो यूरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल्स होता है, एक वेंट्रिकल, इसमें तीन चैम्बर होते हैं हर्ट। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इनमें हर्ट में कितने, तीन चैम्बर वाले हर्ट, जो तीन चैम्बर हर्ट जो है किसमें पाया जाता है, एम्फीबियन में पाया जाता है। बोथ रीनल हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट, रीनल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। आरबीसी जो होता है न्यूक्लिएटेड होता है, आरबीसी इनका क्या होता है न्यूक्लिएटेड होता है। किडनी जो मीजोनिफ्रिक होता है, किडनी इनका क्या होता है मीजोनिफ्रिक होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है यूरोटेलिक होते हैं, यूरोटेलिक होते हैं, यूरोटेलिक मतलब क्या होता है यूरिया का उत्सर्जन करने वाले होते हैं, यूरोटेलिक होते हैं। जबकि जैसे टैडपोल होता है तो पानी की ज़्यादा मात्रा है, अमोनिया टेलिक हो सकता है, लेकिन यूरोटेलिक होते हैं, कैसे होते हैं यूरोटेलिक होते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि इनमें एक्सक्रीशन पूछा जाए कि एम्फीबियन में एक्सक्रीशन क्या होता है, यूरिया का उत्सर्जन होता है, यूरोटेलिक कहते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरोटेलिक होते हैं एडल्ट। लेकिन अगर टैडपोल लार्वा की बात की जाए, टैडपोल लार्वा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ध्यान दीजिएगा टैडपोल लार्वा जो होते हैं अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जबकि एडल्ट जो होते हैं यूरोटेलिक होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर इनमें नहीं पाए जाते हैं, जो कान जो होते हैं बाहर नहीं दिखाई देते हैं, इनके कान जो होते हैं बाहर नहीं दिखाई देते हैं। ए टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, मतलब टिम्पैनम बहुत छोटे छिद्र के जैसे दिखाई देते हैं, टिम्पैनम ईयर कान का पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल जो उनका होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है हाथ, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू द कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, इनमें जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो यूरिनरी पोर्शन होता है ये सभी क्या है एक स्थान पर खुलते हैं, एक कॉमन
चैम्बर में खुलते हैं, एक कॉमन चैम्बर में खुलने के कारण इनको क्लोएका कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्लोएका। एलिमेंटेड कैनाल का लास्ट कंडीशन जो होती है क्लोएका में बदलती है, जहाँ पे यूनिटरी बैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है, यूनिटरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक एक साथ खुलते हैं, एक कॉमन प्लेस पे खुलते हैं, इसी को क्लोएका कहा जाता है। इन्हीं को कॉमन चैम्बर में खुलते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? क्लोएका कहा जाता है। इनमें क्लोएका पाया जाता है, ठीक है। तो अगर एम्फीबियन में पैरेंटल केयर की बात आती है तो इक्थियोफिस हम लोगों ने देखा, इक्थियोफिस में एक के चारों राउंड बनाकर पैरेंटल केयर करता है जो एपोडा में रखा गया है। अगर हम देखें तो अगर यदि हम देखें तो मेल ऑफ मिडवाइफ टोड किसे का एलाइट्स को कहा जाता है? मेल ऑफ मिडवाइफ टोड एलाइट्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैरी एग एंड सो पैरेंटल केयर, एक को कैरी करता है और पैरेंटल केयर करता है, पैरेंटल केयर करता है। पॉइजन ग्लैंड ऑफ टोड, टोड में जो पॉइजन ग्लैंड पाया जाता है इज मॉडिफाइड पैरोटाइड ग्लैंड। आपसे पूछा जाए टोड में जो पॉइजन ग्लैंड पाया जाता है किसका बना होता है, किससे मॉडिफाइड होता है? पैरोटाइड, पैरोटाइड ग्लैंड से, पैरोटाइड ग्लैंड से ये मॉडिफाइड होता है, पैरोटाइड ग्लैंड से मॉडिफाइड होता है। एक्जोलोइटस, एक्जोलोइटस जो होता है इज एम्फीबियन लार्वा। एक्जोलोइटस एक एम्फीबियन लार्वा है जिसे एम्बायोस्टोमा भी कहा जाता है। एक्जोलोइटस लार्वा को एम्बायोस्टोमा, एम्बायोस्टोमा जिसे सेलामेंडर, जिसे टाइगर सेलामेंडर को क्या कहते हैं? एम्बायोस्टोमा कहा जाता है। सो क्या शो करता है? नियोटिनी और पीडोजेनेसिस। इसके पहले हम लोगों ने बात किया नियोटिनी क्या है। नियोटिनी जो होता है रिलेंसर ऑफ लार्वा कैरेक्टर इन एडल्ट, रिटेंशन ऑफ लार्वा कैरेक्टर इन एडल्ट, रिटेंशन ऑफ लार्वा कैरेक्टर इन एडल्ट। एडल्ट के जैसे ही लार्वा में जो कैरेक्टर रिटेंशन मतलब होता है, एडल्ट के जैसे ही जैसे सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाते हैं न्यूटिनी में, न्यूटिनी में क्या होता है वह कैरेक्टर, एडल्ट के कैरेक्टर जो होता है लार्वा में प्रेजेंट होना ही रिटेंशन कहलाता है, रिटेंशन ऑफ लार्वा, लार्वल कैरेक्टर इन एडल्ट, ठीक है। तो पीडोजेनेसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ यंग वन बाई प्री एडल्ट फॉर्म, प्री एडल्ट फॉर्म से जो होता है ये एक नए वंश का, मैंने उधर बताया था कि इनमें सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट हो जाता है, रिप्रोडक्शन होता है, बट जो होता है इनमें फर्टिलाइजेशन क्रिया, पीडोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ यंग वन बाई प्री एडल्ट फॉर्म, प्री एडल्ट फॉर्म से ही नया एडल्ट का निर्माण हो जाए, नया एडल्ट बन जाए, तो इसी को क्या कहते हैं? पीडोजेनेसिस कहते हैं, पीडोजेनेसिस कहते हैं, पीडोजेनेसिस। ये दोनों कंडीशन किसमें पाई जाती है? ये दोनों कंडीशन एक्जोलोइटस लार्वा में पाया जाता है जो कि एम्बायोस्टोमा का मतलब क्या है? टाइगर सेलामेंडर में कंडीशन पाई जाती है, टाइगर सेलामेंडर, सेलामेंडर में जो है ये कंडीशन पाई जाती है। एक्जोलोइटल लार्वा जो होता है इसमें नियोटिनी और पीडोजेनेसिस की कैरेक्टर पाए जाते हैं। इनमें सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं, मतलब एम्फीबिया में जो सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं? सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एम्फीबिया में अगर फर्टिलाइजेशन पूछा जाता है एक्सटर्नल होता है। सी में क्या होता है? फीमेल जो होती है ओवीपेरस होती है, ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाली होती है। एक मीजोल स्थल होता है, ये एक क्या होता है? मीजोल स्थल होता है। स्ट्रो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा से टैडपोल बनता है, लार्वा से क्या बनता है? टैडपोल बनता है। ये खाता है हार्न टोड, अगर कभी हार्न टोड आ जाए, हार्न टोड में मेढक नहीं है, ये कहीं टोड लगा हुआ मेढक है, हार्न सिंह वाला मेढक, तो सिंह वाला मेढक नहीं भैया, लिजार्ड है, मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है। हार्न टोड अगर आ जाए, हार्न टोड मेढक नहीं है, ये लिजार्ड मरुस्थल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में पाया जाता है। टैडपोल किडनी जो होता है, टैडपोल का किडनी जो होता है प्रोनेफ्रिक होता है, ध्यान दीजिए प्रोनेफ्रिक होता है, जबकि एडल्ट का मीजोनेफ्रिक होता है। एडल्ट में क्या कैसा पाया जाता है? मीजोनेफ्रिक पाया जाता है, एडल्ट में मीजोनेफ्रिक पाया जाता है। फ्री फ्रॉग क्या है? हाइला, ट्री फ्रॉग किसे? हाइला को ट्री फ्रॉग कहते हैं। फ्लाइंग फ्रॉग क्या है? रेकोफोरस को फ्लाइंग फ्रॉग कहते हैं। इस प्रकार प्यारे दोस्तों एम्फीबिया के कुछ जनरल करेक्टर थे और इनके क्लासिफिकेशन की बात हो गई। इनको तीन आर्डर में बांटा गया था, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा। एन्यूरा में फ्रॉग आता है, टोड आते हैं, ठीक है, और क्या आता है? एन्यूरा में जो होता है फ्रॉग आता है, रेकोफोरस आते हैं, हाइला आते हैं, सब क्या आते हैं? एन्यूरा में आते हैं। और यूरोडेला में क्या आता है? यूरोडेला में एम्बायोस्टोमा, टाइगर सेलामेंडर, सेलामेंडर आता है, नेक्ट्यूरस भी यूरोडेला में आता है। एपोडा में क्या आता है? एपोडा में इक्थियोफिस आता है, एपोडा में इक्थियोफिस आता है, जिम्नोफियाना भी बोला जाता है इसको। तो इस प्रकार से जनरल करेक्टर ऑफ
एम्फीबिया हम लोगों ने देखा, उनमें क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने देखा कि एम्फीबिया को तीन आर्डर में बांटा गया है, एम्फीबिया क्लास को तीन आर्डर में बांटा गया है, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके एग्जाम से कहीं से भी नहीं आएगा, बस इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा। तो प्यारे दोस्तों यदि ये वीडियो आपको आपके एग्जाम से संबंधित आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक तो बनता है प्यारे दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जितने भी वीडियो मैं डाउनलोड करूं आप तक पहुंचें। तो प्यारे दोस्तों इसी के साथ आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।